देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा, सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ प्रधानमंत्री जी? सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा। भागा कोरोना? देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 75 साल के बाद भगवान ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। भाई साहब आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5-स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की। 99.7% नतीजे आए हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर वकील बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते, वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे, जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा, सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हमको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है। कोई आके बोलेगा, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हुआ आतंकवाद खत्म, लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना आतंकवाद। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा, प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है।